की जय हो। अब इन बच्चों का नाम कहानी किया गया। ये दशरथ कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा। अरे कई के पुत्र का नाम भरत कहा जाएगा। बहुत ही अच्छा है। सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा। बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा। ये चारों रघुकुल के चिराग होंगे और इनके नाम से रघुकुल का नाम रोशन होगा। बहुत अच्छा वीडियो। कौन ये प्रयास लाया है? कोई रोगी है या कोई दुख का सताया है? लास्ट में बैठिए। जमकर अकाल पड़ने के कारण सब लोग भूख भूख से मरने जा रहे हैं। कई कई दिनों में एक बार खाकर गुजारा कर रहे हैं, परंतु उनका भी सहारा नहीं रहा। बताइए अब हम कहाँ जाएं? प्रजा, दीन प्रजा, मुझे तेरा यह काव्य दृश्य खून के आंसू रुला रहा है। भला किस काम आएगी यह मेरी संपदा? कोई है राज्यों में वह कुल मेरी प्रजा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो सब हमारे कर्मों का फल मिल रहा लगता है। इनके देवता हमसे रूठ गए हैं। एक साल से पीड़ित लोगों तुम किसी प्रकार मत घबराओ। जिस वस्तु की आवश्यकता हो राज्य से ले जाओ। गुरु जी के समझ लेकर इस अकाल से कोई उपाय निकालूंगा। जय हो महाराजा जी, जय हो। गुरु जी देखकर अकाल पड़ने से सारी प्रजा दिल दिला रही है। लोगों की जान संकट में आ रही है। कृपया इस प्रकार का कोई उपाय बताएं और तेरी शंका को मिटाएं। राजन, इस वर्ष वर्षा के ग्रह प्रतिकूल पड़े हुए हैं। अकाल पड़ने पर भी पूर्ण संभावना है और इससे बचने का केवल यही उपाय है कि आप सोने का हल बनवाएं और पुरानी शहर जाकर स्वयं अपने हाथों से हल चलाएं। जैसी आज्ञा गुरु जी। लगन कहता है कि इस विधि से यह संकट अवश्य दूर होगा और अन्य भरपूर होगा। बहुत अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं मेरी प्रजा के लिए हर वो उपाय करने को तैयार हूँ। मंत्री जी जल्द ही जाएं और एक स्वर्ण हल बनाए। जैसी आज्ञा महाराज। जाला। मंत्री जी इस गधे को तुरंत बाहर निकाले। बाकी लोग से पैदा हुई कन्या को क्या नामकरण किया जाए? ये फल से पैदा हुई है, फल की लोग को संस्कृत में सी कहते हैं, इसलिए इसका नाम सीता रखा जाए। इस कन्या को महलों में ले जाओ और पूरे राज्य में दीप माला दी जाए। जय